गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस टीचर मिस तबसुम फ्रॉम द स्मार्ट स्कूल सिटी कैंपस फकीराबाद पिशावर. ओके, सो दिस इज़ योर साइंस बुक ऑफ क्लास सिक्स. सो काइंडली ओपन योर बुक्स एंड टेक आउट चैप्टर नंबर 10. टुडे वी विल स्टडी अबाउट चैप्टर नंबर 10, द सोलर सिस्टम्स. ओके, पेज नंबर 132. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट अवर सोलर सिस्टम. द यूनिवर्स मीन्स एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट. ओके, वट एवर एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, इन द यूनिवर्स, दिस ऑल आर सेट और नोन एज अ यूनिवर्स. सो साइंटिस्ट हैव एस्टिमेटेड दैट द यूनिवर्स कंटेन 100 billion गैलेक्सीज. ओके, साइंटिस्ट हैव इन्वेंटेड और एस्टिमेटेड दैट देयर आर 100 billion ऑफ गैलेक्सीज, each with 100 billion stars. In each galaxy, here it is 10 billion of stars. So it is so big that scientists had to invent a new unit to measure. Why? Because to measure these galaxies or stars, it is called the light year. Okay, a light year is the distance that light travel in 1 year, moving at 3 lakh kilometer per second. Okay, 3 lakh kilometer per second it travels. So a galaxy is a huge mass of stars. Here are uncountable stars in the galaxy. Earth is a part of galaxy called the Milky Way, just a tiny part of the universe. It is a tiny